भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार को पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के सीहोर स्टेशन में नवनिर्मित स्टेशन भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन से यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी रेल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार देश के चहुंमुखी विकास के साथ ही लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विधानसभा उपचुनाव को सफल करने के लिए चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण जनपद में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव की तैयारी के लिए सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण करना की हर संभव कोशिश रहेगी। धारा 144 जनपद में लागू है और हमारे द्वारा सारी टीम्स, नोडल्स, एफएसटी, एसएसटी, बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और चेकिंग और हमारे नोडल ऑफिसर्स, स्वीप ऑफिसर्स सभी तैनात कर दिए गए हैं। हमने कल सभी जनपद अधिकारियों से मीटिंग कर ली है, आज हमने प्रेस मीटिंग भी कर ली है और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग है और इलेक्शन कमीशन भी लगातार समीक्षा कर रहा है, तो हम पूरा जनपद फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं।